हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास जो कि हमारी 11th क्लास है, जिसके अंदर हम मार्केट की बात करते हैं, ओवरऑल एक बाज़ार को समझने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार के अंदर जैसे हमने शुरू से क्लासेस में डिस्कस किया है कि हमें पहले डिसाइड करना हम क्या हैं, हम कौन किस टाइप के दुकानदार हैं या हम किस टाइप के बिजनेसमैन हैं, इसमें शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। फिर माइंडसेट, आज मैं जो एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ बाज़ार के अंदर, वो है टाइम की। मतलब बाज़ार के अंदर क्या, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो टाइम है, ठीक है, उसकी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मुझे याद है, मेरे फादर्स जब मैं छोटा था तो बोला करते थे मुझे कि बेटा, एक बार जो टाइम हाथ से निकल गया वो वापस नहीं आना, ठीक है। तो उस टाइम हम बच्चे थे, या टीन एज में भी बोला करते थे, जब हम गलतियां करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, सीरियस नहीं होते थे, तो वो मेरे को बोला करते थे कि एक दिन तुम्हें याद आएगा जो तुम आज, ये अगर कोई टाइम मैं ख़राब करता था कि जो तुम आज टाइम ख़राब कर रहे हो वो तुम्हें याद आएगा। उस टाइम नहीं समझ आता था, इतनी अकल नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए समझ आना शुरू हुआ कि यार, ये जो गलतियां करी थी इसका टाइमिंग के साथ कितना ज़्यादा एक रिलेशनशिप था। काश टाइम के ऊपर कुछ अच्छे डिसीज़न ले लिए होते, या टाइम के ऊपर बुरी चीज़ें, मतलब अच्छा डिसीज़न लेके बुरी चीज़ों की छोड़ दिया होता, तो वो सारे जो रिलेशनशिप हैं वो हमें बाद में समझ आते हैं। अगर आप आज की डेट में, मैं कई देखता हूँ बच्चों को जो कि आज की टीन एज में हैं, ठीक है, 18 साल 20 साल के बच्चे, उसमें से मैं कई बच्चे को देखता हूँ कि वो पहले ही बड़े ज़्यादा कॉन्शियस, और पहले ही उनके दिमाग जो हैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है। मतलब दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम फालतू की चीज़ों में, इधर उधर की, ठीक है, दे आर वेरी फोकस्ड। ऐसे ही मेरी कज़न है, मासी की बेटी, मेरे से बड़े हैं वो, और उनका बेटा जब वो 8वीं 9वीं 10वीं में हुआ तो वो बहुत ज़्यादा फोकस था कि उसको डॉक्टर ही बनना है। 8वीं 9वीं में जब वो क्लास में था तभी से वो बड़ा फोकस था कि उसको डॉक्टर ही बनना है। उसको कभी मेरी सिस्टर ने या मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं कभी नहीं उसको बोला, कभी आज तक ज़िंदगी के अंदर उसको ये नहीं बोला कि बैठ के पढ़ लो, ठीक है। तो मैंने उसके पीछे का कई बार सोचा या बातचीत भी करी, मैंने उसको ये देखा कि उसके जो दोस्त थे ना वो भी बड़े फोकस थे, और 3-4 दोस्त थे उसके और बड़े फोकस थे। आज वो लड़का MBBS कर रहा है। तो मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूँ कि यार, कई लोग बड़े फोकस्ड होते हैं, ठीक है, जबकि हम थे, जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो 8वीं 9वीं में हमें कुछ भी नहीं पता था कि हम ज़िंदगी के अंदर क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो तो चलो हमें बाद में, हम थोड़ा सा तो कई, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि जिन जो फोकस नहीं है, जिनको पता नहीं, वो अच्छे नहीं हैं या वो बुरे हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ नेचर ने आपके लिए कहीं ना कहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि टाइम के ऊपर, जब टाइमिंग बहुत ज़्यादा, जो हम आज बात कर रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, एक ज़िंदगी के अंदर आगे ऊपर जाना है। अगर किसी ने सही टाइम के ऊपर उस चीज़ को पकड़ लिया और डिसीज़न ले लिए, तो वो लाइफ का जो कर्व है वो अपने आप ही उनके लिए बनता जाता है। ऐसे ही शेयर बाज़ार में भी ऐसा ही है कि टाइमिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि टाइम इज़ अ किलर, जो वक्त है वो किलर ही है, ठीक है।
टाइम के साथ हर चीज़ पुरानी होती जाती है। हम बच्चे थे, बड़े हुए टाइम के साथ, ठीक है, धीरे धीरे एज बढ़ रही है, हमारे पेरेंट्स हमारी एज में थे, फिर वो अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, ठीक है। तो वक्त के साथ क्या हो रहा है कि हर चीज़ ख़त्म होती जाती है, हर ख़त्म होती जाती है। इसलिए टाइम जो है ना वो एक किलर है। हमने भी कभी ना कभी इस दुनिया से चले जाना है, ठीक है। अब कब जाना है, किसने कब जाना है, किसी का नहीं पता। लेकिन टाइम के साथ धीरे 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 बिल्डिंग पुरानी हो रही है, बिल्डिंग टाइम, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, कोई घर बना हुआ है, वो पुराना हो रहा है, टाइम के साथ वो ख़त्म हो ही जा रहा है, धीरे 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 किल हो रहा है वो, ठीक है। कोई पुल बना हुआ है, वो 100 साल के लिए, 200 साल के लिए बना है, वो धीरे 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 जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, वो पुराना हो जाएगा, वो जंग लग जाएगा। सेम ही चीज़ हर उसके अंदर इम्प्लीमेंट होती है, लागू होती है ये चीज़, चाहे हम हैं, चाहे कोई चीज़ है, कुछ भी है। मतलब आपने गाड़ी ली, 10-15 साल बाद वो पुरानी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आपने कंप्यूटर लिया, 5-7 साल बाद, 8 साल बाद वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, या बिल्कुल डेड होना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे यार मुझे नया कंप्यूटर लेना है, मेरा पुराना तंग कर रहा है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, लाइफ के अंदर, ये सारी स्टॉक मार्केट में भी, शेयर बाज़ार में भी अगर हम देखें तो यही चीज़ें हम इम्प्लीमेंट होती हैं। नई कोई कंपनी बाज़ार में आ रही है, नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, यानी कि वो एक बच्चा है अभी, तो वो क्या है, उस बच्चे के अभी बहुत ज़्यादा फ्यूचर पड़ा है। बच्चा है, मतलब अभी बच्चा है, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर टीन एज में जाएगा, फिर प्रॉपर जवानी में जाएगा, फिर मिड एज में जाएगा, फिर बुढ़ापे में जाएगा, फिर जाके उसकी लाइफ कहीं ख़त्म होगी। तो बिज़नेस भी ऐसे ही हैं। अगर हम बिज़नेस की सोच, बिज़नेस के पीछे का वो देखें कि एक नई कोई चीज़ आई, जैसे इंटरनेट ने आया तो उसने सब कुछ चेंज कर दिया धीरे 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 धीरे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आई जो कि पहले बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत ज़्यादा वो थी, यूज़ में थी, लेकिन वो धीरे 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 ख़त्म हो गई। तो इसलिए क्या हो रहा है, टाइम जो है वो हर चीज़ को ख़त्म करता जाता है, साइड पे करता जाता है टाइम, कि चल तू अब पुराना हो गया, चल भाई साइड पे, ठीक है। अब आप बुज़ुर्ग हो गए, चलिए जी अब आप रेस्ट कीजिए, रिटायरमेंट की एज आ गई, अब आप रेस्ट कीजिए। सेम बिज़नेस के साथ है, सेम कंपनीज के साथ है। बाज़ार के अंदर भी क्या है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम टाइमिंग की वैल्यू नहीं कर रहे बाज़ार के अंदर, ठीक है, हम यहाँ पे वो हमें मार देगा बाज़ार। अब चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बोर्ड के ऊपर भी, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मतलब मैं इम्पोर्टेंस जो है टाइम की आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि जो बाज़ार है वो क्यों इस रूल को भी फॉलो करता है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो मार्केट है, मार्केट एक ज़िंदगी है हमारी। अगर आपको एक लॉजिक समझ आ गया बाज़ार का, बाज़ार के पीछे का जो भी काम हो रहा है ना, वो एक बिल्कुल ज़िंदगी के साथ उसका मैच है वो। हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, हम कितना एक्साइटेड रहते हैं, छोटा बच्चा एक पैदा हुआ, कितना एक्साइटमेंट रहती है घर में, नई खुशियां आती हैं, सब कुछ आता है एंड ऑल दैट, है ना। उसके कोई नई कंपनी आती है तो एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है उसको, बिजनेस को लेके, जब वो उसका जो जिसने उस कंपनी को बनाया है उसके बहुत ज़्यादा वो होते हैं, ड्रीम होते हैं, ऐसे ही वो होते हैं ना, कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, ये कंपनी यहाँ से ऐसे ग्रो करेगी, वैसे करेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, ये होगा, हम इतने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अब उसमें से
कितनी ही कंपनियां या कितने ही बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन 100 में से कोई एक दो कंपनी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाती हैं। ऐसे ही हजारों बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत मतलब लाइफ में राइज कर जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं मीडियम रहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो ठीक ठाक रहते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। ठीक है, तो सेम बाज़ार के अंदर भी है वही चीज़। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि टाइमिंग की, कि टाइमिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बाज़ार के लिए। ठीक है, एक एक नया बच्चा पैदा हुआ, एक नई कंपनी आई है, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई है, बाज़ार जो है ना उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा दाव लगाएगा। एक बच्चा पहले ही बड़ा हो चुका है, ठीक है, बच्चा पहले ही बड़ा हो चुका है, सब कुछ वो मतलब उसकी एज हो ही जा रही है आगे आगे बजे, तो जो बाज़ार है ना उसके ऊपर बहुत बड़ा दाव नहीं लगाएगा। बाज़ार हमेशा ऐसी चीज़ के ऊपर दाव लगाएगा जहाँ पे एक बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि टाइमिंग, क्योंकि बाज़ार को पता है कि यार ये एक नई कंपनी यहाँ पे शुरू हुई है या कुछ हुई है, इनका सोच बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो वहाँ पे दाव लगाने में रिस्क तो है, मे बी ये हो सकता है कि ये बच्चा बड़ा होके कुछ कर ही ना पाए, नालायक निकले, ठीक है, या लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर ही ना पाए। लेकिन एक ये भी है कि अगर ये बच्चा कुछ कर गया तो वारे न्यारे भी कर सकता है। लेकिन जो एक बच्चा पहले ही एक बहुत बड़ा ग्रो कर गया है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि वो आपका अब शायद उतना बड़ा आपको रिटर्न या पैसा ना बना के दे जो ये बना के दे सकता है। तो इसलिए क्या है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में भी, बाज़ार के अंदर भी। और इस बिज़नेस को टाइम जो है मे बी एक समय आएगा कि उसको किल कर देगा, बहुत ज़्यादा मतलब आगे शायद ना बढ़ाए। लेकिन इसको क्योंकि ये अभी जन्मा, नया जन्मा है बच्चा, तो इसकी पूरी अभी तो लाइफ शुरू हो रही है, लेकिन इसको इस बिज़नेस को जब ये कभी एक बच्चा था, ठीक है, ये भी एक बच्चा था किसी टाइम, लेकिन अब ये क्या है कि एक ऐसी स्टेज में जा रहा है कि वो धीरे 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 बूढ़ा हो रहा है, वो कम हो रहा है उसका पोटेंशियल। ठीक है, मरने को मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिज़नेस मर जाएगा, लेकिन उसकी ताकत कहीं ना कहीं जाके एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि एक नया बच्चा नई सोच के साथ पैदा हुआ है, वो कुछ नया करने की कोशिश करेगा, तो जब वो नया करेगा तो इस पुराने बंदे को एक कंपटीशन देगा। ठीक है, इस पुराने बंदे को कंपटीशन देगा। ठीक है, ये बच्चा आप सपोज करिए इंटेलिजेंट हुआ, पैदा हो रहा है, जैसे आजकल हम अगर देखें, कल मेरी किसी एक मेरा स्टूडेंट है उसके साथ बात हो रही थी, वो पुलिस में है, तो वो कह रहा था, कहता सर जो आज की डेट में जो नए IPS आ रहे हैं या जो नए IAS आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और वो क्या करते हैं कि जो IPS है वो ऐसे अपनी फोर्स में से ऐसे लड़कों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लड़कियों को, जिन जो बहुत तेज तर्रार हैं और जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, कोई नई टेक्नोलॉजी का समझ है या कुछ है, उसके ऊपर वो ज़्यादा दाव लगाते हैं। उनको किसी थाने का एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज उनको बनाने में प्रेफर करते हैं, जो पहले ही जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उनके ऊपर वो IAS या IPS ऑफिसर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दाव नहीं लगाते। तो क्या हो रहा है कि जो पुराने ऑफिसर हैं वो धीरे धीरे टाइम उनको किल कर रहा है, लेकिन जो नए लोग हैं, नए वो हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उनको
लेकिन उनको अपना पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। तो अब क्या कर रहा है, वाई टाइम इज़ ए किलर, इनको धीरे 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 बाजार, जो बाजार कह लीजिए या कोई भी कम, वो कंपटीशन हो गया, नई टेक्नोलॉजी हो गई, जिस तरीके से वर्ल्ड चेंज हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, तो हर बिजनेस एक किलिंग जोन में जाई जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें इसके पीछे की साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा कि आप जब सपोज़ कीजिए आप बाज़ार के अंदर एक इन्वेस्टर बन के आ रहे हैं, आप कह रहे हो कि मुझे तो अगले 10 साल के लिए 15 साल के लिए पैसा लगाना है, तो मेरी क्या सोच है कि आपको अगर अगले 10-15 साल के लिए किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो नए बच्चे में, नए विजन में, उसमें पैसा लगाना चाहिए, ना कि जो कि एक बूढ़ा हो चुका है बिजनेस या पुराना हो चुका है। नो डाउट वो आपको रिटर्न दे देगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको रिटर्न नहीं दे सकता, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी है वो यही चेंज कर सकता है। कुछ नई चीज़, गूगल, अगर आप सोचिए गूगल जो था वो इतनी बड़ी कंपनी क्यों बन गया, गूगल इतनी बड़ी कंपनी क्यों बन गई, क्यों बनी, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया जिसने आने वाली जो वर्ड है, वर्ड को ही चेंज कर दिया पूरे का पूरा। तो वो जब शुरू में आया था वो एक बच्चा था, ठीक है, किसी को उसके ऊपर विश्वास नहीं था, पता नहीं क्या होगा ये सर्च इंजन ये वो, लेकिन जिन लोगों ने उनके ऊपर विश्वास करके पैसा लगाया गूगल के अंदर, उनकी आने वाली 50 पुश्तों का पैसा कमाया उन्होंने, ठीक है। लेकिन जैसे याहू भी था, याहू जैसे कंपनी एंड ऑल दैट, ठीक है, उन वो लोग क्या कर पाए, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ इनोवेशन आगे नहीं कर पाए, यानी कि वो बूढ़े हो गए, उनको टाइम ने किल कर दिया। इसलिए टाइम सबको ख़त्म करता जाता है, वक्त सबको ख़त्म करेगा, हमें भी ख़त्म कर देगा टाइम, ठीक है। नए बच्चे आ जाएंगे, वो फिर उनके वो होंगे, अपने ड्रीम्स होंगे, उनके एफर्ट होंगे, उनके नए वेंचर्स होंगे, उनके बिजनेसेस होंगे, लेकिन अगर हम पुराने उसके ऊपर दाव लगाते रहे तो फिर हम बहुत कुछ नहीं बना पाएंगे, बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि भाई मैं अब आप अगर बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज को देखो आज की डेट में, मेरे ब्रदर इन लॉ भी आईटी कंपनी में है, वो ये बताते हैं कि बड़ी आईटी कंपनीज भी जो हैं यंगस्टर्स हैं उनको क्यों हायर करती है, उनके ऊपर दाव क्यों लगाती है, उनको भी ठीक ठाक पैसा देती है क्यों। मैं खुद एक आईटी कंपनी रन करता हूँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि जब शुरू में जब मैंने नई नई कंपनी शुरू करी थी, तो मैंने एक दो बच्चे ऐसे हायर करे थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक ठाक थे पढ़े हुए, लेकिन उनके अंदर काम करने का बहुत इच्छा थी, तो मैंने उनको अपने हाथ से सिखाया, उनको अपने हाथ से पढ़ाया लिखाया, सब कुछ सिखाया, टेक्नोलॉजी सिखाई एंड ऑल। तो उन्होंने, लेकिन एक ऐसा समय आया कि अब वो थोड़े से नई चीज़ को सीखने में थोड़ा सा मतलब डरते हैं, या कह लीजिए वो बहुत ज़्यादा नया कुछ करना नहीं चाहते, जैसे उन्होंने इतने सालों से कर रहे हैं दे आर हैप्पी विद दैट, ठीक है। तो धीरे 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 क्या हो रहा है कि भाई क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो रही है, वो भी उनका भी कसूर नहीं है, वो मतलब वो अडेप्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को। हम भी एज अ बिजनेस बहुत आईटी में जैसे हर छठे महीने कुछ ना कुछ नई चीज़ आ जाती है, तो उस चीज़ को अडेप्ट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही अगर आप एक प्रोग्रामर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कुछ हो, तो नहीं हर छठे महीने कुछ आ गया तो बहुत ज़्यादा अडेप्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन जो बंदा अभी कॉलेज से नया निकला है और कंपनी उसको हायर कर रही है, तो लोग उसको जल्दी अडेप्ट कर लेंगे और वो फिर आप बिजनेस के अंदर जो है वो फ़ायदा ज़्यादा दे देते हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो जल्दी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते और वो उसी को करना चाहते हैं। इसीलिए आप अगर देखोगे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के अंदर पुराने एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ़ कर देते हैं,
ठीक है, नए बच्चों को जो ट्रेनीज होते हैं उनको हायर किया जाता है। क्या क्या हो रहा है उसके पीछे, क्या हो रहा है कि टाइम जो है वो किल कर रहा है हर चीज़ को, ठीक है, हमारी जो अडेप्ट करने की शक्ति को भी, नई नई चीज़ों को अडेप्ट करने की शक्ति को हम टाइम जो है वो किल कर रहा है। तो इसलिए मार्केट के अंदर भी यही चीज़ है। मार्केट में क्या है कि टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने सपोज करो एक शेयर था जो उसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, पुराने समय में सपोज कीजिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, ठीक है, वो बुरी हो गई थी कंपनी या कुछ भी हो गया था, लेकिन उसने फिर कई साल तक वो उस कंपनी ने एक नए बच्चे को जन्म दिया। मतलब उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने अपना सारा बिजनेस चेंज किया, उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी चेंज करी, सब कुछ चेंज करा और कई 5 से 10 साल उन्होंने उसके अंदर लगाया, ठीक है, सब कुछ चेंज करने के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे वो कंपनी जो है वो जब उसके अंदर हो गया तो वहाँ पे हमें उनके नए बच्चे के अंदर हमें वहाँ पे दाव लगाना है। मे बी ये हो सकता है कि जो इस कंपनी का मालिक है वो बूढ़ा हो गए, ठीक है, उनकी एज हो गई, लेकिन जो अब उनकी नई पीढ़ी आ रही है, जो उनके बच्चों के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि ठीक है भैया हमारे दादाजी का ये बिज़नेस था, हम क्यों ना इसी बिज़नेस को दोबारा से करें, लेकिन एक नई सोच के साथ, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक सारा कुछ करने के साथ, ठीक है, हम क्यों ना उसके ऊपर दाव लगाएं। या शेयर बाजार के अंदर क्या है कि जब कोई कंपनी एक लॉस में है, ठीक है, टाइम ने पहले उसको किल किया है, लेकिन अब उसका जो टाइम है अब चेंज हो रहा है, वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है, पहले उनका बहुत ज़्यादा लॉस था, अब उन्होंने क्या कह रहा है, प्रॉफिट में नहीं आए लेकिन उनका लॉस ख़त्म हो गया है। तो आप जब ऐसी चीज़ के ऊपर दाव लगाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन जो पहले ही एक चीज़ बनी बनाई खड़ी हुई है और वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, तो टाइम क्या कर रहा है, बस उसको किल कर रहा है। जैसे नोकिया था, नोकिया ने क्या किया, नोकिया ने कुछ नया नहीं किया तो टाइम ने उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया, टाइम ने उसको किल कर दिया। लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे कि कितनी ओप्पो, ये कितनी कंपनियां आई, छोटी छोटी कंपनीज आई और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो यही चीज़ क्या है कि लाइफ में और शेयर बाज़ार के अंदर जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी जो सोच है वो एक इनोवेशन वाली होनी चाहिए अगर हम शेयर बाज़ार में भी आ रहे हैं, ठीक है। हमारी जो सोच है वो एक छोटे बच्चे की तरह होनी चाहिए जो कि सीखना चाहता है, ठीक है। हमारी सोच ज़िद्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो एज है वो बढ़ती है तो हम थोड़ा ज़िद्दी हो जाते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस को लेके हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं यार यही चीज़ ठीक है, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन जो नया बच्चा आया है, जो या जो नई कंपनी आई है, वो रिस्क भी लेना चाहती है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मैं आज अगर रिस्क लूँगा तो मेरे पास बहुत टाइम है ग्रो करने का, ठीक है। बच्चा है एक, वो कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर रहा, वो कहता कोई बात नहीं मैं 2 बार, लेकिन क्योंकि उसके पास बहुत टाइम पड़ा है, अभी 15-18 साल का बच्चा है, तो उसको पता है यहाँ फेल हो गया कोई बात नहीं, मैं अगली यहाँ पे ट्राई कर लूँगा, यहाँ फेल हो गया तो मैं यहाँ ट्राई कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि टाइमिंग जो है ना वो मेरे फेवर में है, टाइम उसके लिए किलर अभी नहीं है। जैसे हम शेयर बाज़ार के अंदर भी जो एक अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, एक अपना कैश मार्केट होती है, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में लोग क्यों लॉस खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टाइमिंग होती है, जो टाइम होता है वो किलर होता है बहुत बड़ा,
ठीक है, ऑप्शन में भी, फ्यूचर में भी, अगर आपने फ्यूचर लिया हुआ है तो भैया मंथली एक्सपायरी, मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, या ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगी, वीक के बाद ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन जब आप कैश में एक शेयर लेके बैठते हो तो उसके ऊपर आपका टाइमिंग का कोई प्रेशर नहीं होता, आपके टाइमिंग जो है वो टाइमिंग का कोई उसके ऊपर असर नहीं है, आप उसको लेके आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि टाइम जो है वो आपको किल कर रहा है, इसीलिए इस सेक्शन में लोग पैसा ज़्यादा नहीं बना पाते, यहाँ पे फिर भी बना जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि टाइम का जब प्रेशर नहीं है तो हम नेचुरली लाइफ में भी और शेयर बाज़ार के अंदर भी अच्छा करेंगे। लेकिन जहाँ पे एक टाइमिंग है, हमें छोटे समय में ही बड़े डिसीज़न लेने हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी को सपोज कीजिए चेंज करना है, एक पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना है उसका, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसके लिए, ठीक है। सपोज कीजिए एक टाटा स्टील जैसी बहुत बड़ी कंपनी है, उसको उन्होंने पूरा अपना चेंज करना हो पूरा, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अब एक छोटा कोई आया है लड़का, जिसने जैसे ये अब जोमेटो टाइप या कुछ है, वो बिल्कुल छोटे छोटे आइडियाज़ से लेके आए हैं, ठीक है, तो उनके पास ग्रो करने के लिए बहुत टाइम है। या और कल को कोई और नई इनोवेशन आ जाती है, कुछ आ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल छोटी चीज़ से शुरू कर रहे हैं, तो उनके पास एक्सपैंड करने के लिए स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन जब आप पहले ही एक बहुत बड़ा एम्पायर बन चुके हो तो उसको चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए क्या कर सकता है कि ये जो शेयर है ये आपको बहुत मल्टी रिटर्न दे सकता है, लेकिन इस ये मल्टी रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि ये पहले ही हाथी है, हाथी बहुत धीरे धीरे चलेगा, जो भी चेंज करेगा वो धीरे धीरे करेगा। लेकिन जो अभी शुरुआत ही कर रहा है, एक नया बच्चा पैदा हुआ, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसलिए जो टाइमिंग है, टाइमिंग बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। किसी शेयर के अंदर भी एंट्री करनी है सपोज करिए, ठीक है, शेयर यहाँ से कह रहा है कि मैं ऊपर जाने लगा हूँ, तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री करी है तो वो एक अच्छा खासा आपको पैसा बना के दे सकती है। लेकिन अगर आपकी एंट्री लेट हो गई, आप लेट उसके अंदर चल रहे हो, तो जो मे भी दो चीज़ें हो सकती हैं अब आपके साथ, या तो क्या हो सकता है कि वो शेयर जो है वो खड़ा हो जाए, वो ऊपर ही ना जाए, कई महीने तक खड़ा ही रहे, आपकी एंट्री लेट हुई है इसलिए टाइम अब आपको किल कर रहा है, टाइम अब आपको मार रहा है। या क्या दूसरा केस हो सकता है, यहाँ पे टॉप लग जाए और फिर वो नीचे की तरफ चल जाए। तो अब क्या किया, आपकी लेट एंट्री ने आपको, पहले इस केस में तो टाइम ने आपको सिर्फ मारा, पैसे का नुकसान नहीं हुआ, यहाँ पे अब क्या हुआ, आपका पैसे का भी नुकसान हुआ। तो इसलिए क्या है कि आप चाहे छोटे इंट्राडे प्लेयर हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हैं, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे एरिया के ऊपर हम एंट्री ना करें जहाँ पे उसका सब कुछ ख़त्म होने वाला है, या जहाँ पे उसकी ग्रोथ रुकने वाली है। अब आप अगर देखोगे कई बहुत सारी पुरानी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो पैसा और उगाती हैं शेयर बाज़ार में, अपने FPO वगैरह लेके आते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। पुरानी कंपनी भाई क्यों FPO लेके आ रही है, उसको क्या ज़रूरत पड़ गई। नई कंपनी का IPO आ रहा है तब तो मैं चलो समझूँ, छोटी कंपनी है उसका आ रहा है, लेकिन जो कंपनी 20-25 साल से लिस्टेड है या पुरानी कंपनी है, अब उसको पैसे की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो फिर भैया कुछ तो गड़बड़ है। इस टाइम तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भी FPO में उसके शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं, वो कई कई साल तक रिटर्न ही नहीं देते, क्योंकि टाइमिंग गलत है, टाइमिंग जो है वो आपका दुश्मन है, टाइम आपका दुश्मन है। ज़िंदगी के अंदर भी
अगर हमने जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं आईपीएस का एग्ज़ाम आईएएस का, उनकी भी एक एज की लिमिट होती है कि भैया इस एज तक ही आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं दे पाए और आप आईपीएस या आईएएस कुछ भी आप ज़िंदगी के अंदर कोई डॉक्टर या कुछ भी बनना चाहते थे, लेकिन जब उसकी एज निकल गई तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप बस हाथ ही मलते रहोगे, पछताओगे। तो क्या क्या हुआ कि टाइम ने आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को किल कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो हम अगर हर लिहाज से इस चीज़ को सोचें, चाहे वो शेयर बाज़ार है या कुछ है, कि टाइम क्या कर रहा है, टाइम हर चीज़ को ख़त्म करी जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म भी कर रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, लेकिन साथ में पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म करी जा रहा है। नया पौधा पैदा हो रहा है, पुराना वृक्ष वहीं पे खड़ा है, ठीक है बस। तो चांस ये है कि भाई नया पौधा हमें बहुत कुछ दे सकता है, पुराना पौधा में भी हो कि उसमें जो फ्रूट हैं वो कम लगने शुरू हो जाएं या वो बूढ़ा हो जाए, अब उसके अंदर फ्रूट ही लगने बंद हो जाएं, बस वो खड़ा है, ऐसे ही खड़ा है, अब वो बहुत ज़्यादा आपको नहीं दे रहा, आम नहीं दे रहा या जो भी। लेकिन अब अगर आपने एक पौधा लगाया तो वो बड़ा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा आम लगेंगे, बहुत ज़्यादा। तो क्या हो रहा है, हर चीज़ टाइम के साथ ख़त्म हो जा रही है। तो हमें क्या करना है कि भाई हमें ऐसी जगह नई अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, ज़िंदगी के अंदर भी नई अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, नए करियर्स के ऊपर। लोग क्या करते हैं, हमारी जो मोस्टली साइकोलॉजी होती है कि आज इस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, मुझे तो यही इंजीनियरिंग करनी है, आज इसकी नौकरियां हैं, मुझे तो इसकी वही करनी है। लेकिन मे भी ये हो सकता है कि कई सालों के बाद, वो 8-10 साल के बाद उसकी वैल्यू ही ना रहे, उसकी मतलब ऐसा कुछ चेंज हो जाए कि उसकी इतनी वैल्यू ही ना रहे, है ना। कुछ भी हो सकता है हम ज़िंदगी के अंदर। अब कई लोग बोलते हैं कि सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है वो, उसमें आपकी क्या सोच है। देखिए मेरी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में यही सोच है कि मुझे नहीं पता कौन सा बिज़नेस कब ख़त्म हो जाना, ठीक है। अगर कोई बिज़नेस सपोज़ कीजिए, पता नहीं हमें 15 साल बाद वो रहेगा, 10 साल बाद वो रहेगा, नहीं रहेगा, हमें नहीं पता। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पता नहीं, भाई मेरी तो इतनी अप्रोच है नहीं कि मैं, मतलब मैं अंदर का सारा पता कर सकूं, ठीक है। तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म बहुत, मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है म्यूचुअल फंड में कर रखी हैं इन्वेस्टमेंट्स, उसमें क्या है कि 15-20 कंपनीज म्यूचुअल फंड लेके रखता है अपने आप ही, वो अपने आप ही चेंज करते रहते हैं, ठीक है। वो क्योंकि लंबे समय की गेम है, स्लो गेम है, धीरे धीरे ठीक है चल रहा। लेकिन अगर आपने एक बड़ा गेम खेलना, बड़ा पैसा लगाना है, तो आप जो पुराने बिजनेस हो गए हैं, आप सपोज़ करिए मुझे HDFC बैंक के ऊपर बहुत बड़ा पैसा लगाना हो, लेकिन HDFC मेरा यहाँ से 20-25 गुना पैसा नहीं बना के दे सकता, अगर बनाएगा भी तो बहुत सालों में बना के देगा। लेकिन जो छोटी कंपनी है, छोटी कोई इनोवेटिव कंपनी है, वो मेरा बहुत जल्दी 5-10 गुना पैसा अगले 4-5 साल में भी कर सकती है, अगर मेरे कोई ऐसी हाथ में लग जाए तो। HDFC बैंक को कंपटीशन भी बहुत मिल रहा है, पहले कितने प्राइवेट, कितने कम बैंक होते थे, अब आप देखिए कितने ही ज़्यादा बैंक ही बैंक हैं, प्राइवेट बैंक आप लगा लीजिए, लिस्ट निकाल के देख लीजिए, राइट। अब जो पब्लिक बैंक हैं, PSU बैंक्स हैं, वो इतना क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई साल तक कुछ परफॉर्म ही नहीं किया, कंपनी ने, जो सरकार ने उनको मर्ज किया, कई से बैंकों को इकट्ठा कर दिया है, उसके बाद देखिए आप उनके अंदर कितनी बड़ी परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई। क्यों आई वो, क्योंकि वो बूढ़े बैंक हो चुके थे, उनके अंदर एक नए बच्चे आए, नई सोच आई, उन्होंने कहा कि ये बूढ़े जो बैंक हो चुके हैं इनको भैया कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे ही इतने इतने चला रहे हो, इनको सबको इकट्ठा करो और आगे इनको चलाना शुरू करो। तो वो सरकार की जो भी एक
सोच थी वो कितनी अच्छी थी, उसके बाद देखो आप जो उनके अंदर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई। ठीक है, तो क्या हो रहा है, टाइम जो है बहुत सारी चीज़ों को किल कर रहा है और नई चीज़ों को लेके आई जा रहा है। तो एट द एंड जो है ना, वो सब कुछ, सब ने मर जाना है, एक बिजनेस ने भी मर जाना है कहीं ना कहीं। वो बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा तो बिल्कुल एक जगह जाके रुक गया तो वो मर ही गया बस। ठीक है, तो उसमें अगर ग्रोथ नहीं हो रही, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो वो मर ही गया एक टाइप से। तो बाज़ार और लाइफ के अंदर बिल्कुल सेम चीज़ें हैं कि कि टाइम के साथ हर चीज़ ख़त्म हो जानी है। तो इसलिए हमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा लंबे समय के लिए, अगर आप करना चाहते हैं। ट्रेडिंग अलग चीज़ है, और जब बहुत ज़्यादा एक बच्चा पहले ही ऑलरेडी जवान से अब बूढ़ा हो गया, उस बिज़नेस के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करोगे तो वहाँ पे हमेशा ख़तरा रहता है। अब आप उठा के देख लीजिए, पिछले 2-3 साल में कई, जैसे आरती इंडस्ट्रीज़, ये वो कितने शेयर हैं, कितना परफॉर्म किया उन्होंने, लेकिन अब वो ठंडे पड़े हुए हैं, चलते ही नहीं हैं, खड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब वो बूढ़े हो गए हैं, वो रुके हुए हैं। अमेरिका के अंदर पहले एक वीडियो रेंटल सर्विस की कंपनी होती थी, मैं नाम भूल गया उसका, उसका स्टॉक का जब, जिस दिन नेटफ्लिक्स आना शुरू हुआ और नेटफ्लिक्स का शेयर लिस्ट हुआ, उस कंपनी का उसी दिन टॉप लग गया था, समझे आप। जिस दिन नेटफ्लिक्स लिस्ट हुआ बाज़ार के अंदर और नया आया, और वो एक कंपनी, मैं नाम भूल गया उसका, काफ़ी फेमस कंपनी थी अमेरिका के अंदर, उसका टॉप लग गया उसी दिन, उसका शेयर नीचे और नेटफ्लिक्स का शेयर ऊपर, क्योंकि नेटफ्लिक्स नया बच्चा था, नई इनोवेशन थी, जिन्होंने वहाँ पे पैसा लगा दिया वो वारे न्यारे हो गए उनके। लेकिन जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, फंडामेंटल तो बहुत अच्छे हैं सर, ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि फंडामेंटल तो अच्छे हैं लेकिन टाइमिंग जो है उस कंपनी को, अब उसकी मौत का टाइम आ चुका है, उस कंपनी की मौत का टाइम आ चुका है। अब धीरे धीरे, जैसे हमारे यहाँ पे भी हैं जो थिएटर्स हैं, PVR, ये वो, आप देखें बहुत कम लोग जाते हैं, मुझे तो याद ही नहीं कितने साल हो गए मुझे गए हुए वहाँ पे। पहले मैं ज़रूर जाता था शुरू में, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी के बाद भी या उससे पहले भी हम गए हैं, लेकिन अब तो मुझे लगता है मैं घर पे ही देखना पसंद करते हैं हम लोग। आजकल सारा कुछ आपके टीवी के ऊपर हैं, स्मार्ट टीवी हैं, सब कुछ है एंड ऑल दैट। तो अब उन बिजनेसेस के लिए क्या हो रहा है, उनकी मौत धीरे 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 उनकी मौत हो रही है। वो जितना मर्जी, मैंने कई मॉल में जाके देखा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आजकल होते नहीं। बड़े बड़े एक्टर भी जो हैं वो अपनी जो मूवीज़ हैं अब नेटफ्लिक्स पे या जो ये OTT प्लेटफॉर्म आते हैं उनके ऊपर लॉन्च करते हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो सिनेमा है, जो थिएटर हैं, वो पहले जो नॉर्मल थिएटर होते थे उनको मॉल के PVR ये इन्होंने ख़त्म कर दिया। आप पुराने थिएटर में जाके देखो आपके शहर में, वो ख़त्म हो चुके होंगे क्योंकि उनकी मौत हो गई टाइम के साथ। फिर ये आए PVR, ये वो है जो लग्जरी वाले थे, अब उनकी मौत का टाइम आया हुआ है, थोड़े टाइम में वो उनकी मौत आ जाएगी, क्योंकि ये OTT प्लेटफॉर्म, ये टाटा स्काई, ये वो जो भी है, जितने भी हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे, इनकी मौत भी हो जाएगी। तो टाइम के साथ हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, टाइम हर चीज़ को किल कर देगा। तो इसलिए जो आप अगर एक इन्वेस्टमेंट करने आए हो इस बाज़ार के अंदर, तो आपको वहाँ पे इनोवेटिव होना चाहिए। वहाँ पे जो छोटी कंपनीज हैं उनके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन रिस्क ज़रूर होता है। ट्रेडिंग अलग काम है, ट्रेडिंग तो डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में मैं हमेशा बंदे को बोलता हूँ कि ट्रेडिंग अभी करना आसान है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको फ्यूचर का पता होना चाहिए, फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है इस कंपनी के अंदर,
अगर आप फ्यूचर को देख पाते हो और आपको पता है कि फ्यूचर और टाइम मेरे फेवर में है, तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है, ठीक है ना। तो इस क्लास का यही मतलब था कि भाई टाइम जो है ना वो मौत है एक टाइप से। तो बाजार के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट ही लागू होता है। तो आई होप आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिले होगा, ठीक है। इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल बात करी है टाइमिंग को लेके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लिए ये हेल्पफुल रहेगी। बाकी अपनी फीडबैक ज़रूर दें कि ये आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और अगर इस चैनल से हेल्प मिल रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय फॉर।